10:45 का ये नजारा है, जितना रश है यहाँ पे। तो ये खाने पीने की मुझे लगा कि आज इसको बांध देती हूँ ताकि मेरा हाथ का जो दर्द है थोड़ा सा राहत दे मुझे रात तक। का सामान रहता है तो इस करके मैंने शूट भी नहीं करा। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है नैनीताल का। लाइक करो, वीडियो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। शेयर भी करो, आप भी करना। अच्छा हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग बोलने लगी थी मैं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखिए नैनीताल, इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ 9:30 भी लोग मतलब ऐसे घूम रहे हैं जैसे सुबह के 9:30 बज रहे हो। सुबह के 9:30 नहीं होते लोग इतने ज़्यादा, क्योंकि सुबह के 9:30 उठते नहीं है ना लोग, तो भीड़ कम होती है सुबह के 9:30। तो रात के 9:30 इतनी भीड़ भाड़ हो रही है और सारी की सारी मार्केट खुली है, पूरी टिबेटन मार्केट भी और भोटिया मार्केट भी सारी खुली है। बट हमने कर दिया है बनाना स्टार्ट। मैं यहाँ हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ मुझे रात को भी चढ़नी है। गुड, अच्छी बात है। तो ये अनमोल नेगी ब्लॉग्स, आज इनका भी एक एक शॉर्ट वीडियो आई है आज इनकी, पता नहीं सदियों के बाद है? कैसी थी? मैंने देखी नहीं नोटिफिकेशन आया मुझे नैनीताली सी बात नोटिफिकेशन आया मैंने देखी नहीं, मगर देखूंगी ना। तो फ्रेंड्स अनमोल बढ़ा के आ चुका और मैं बढ़ाने लगी हूँ। बढ़ गई मार्केट वाली? सही से काम तो हो नहीं रहा, खाली मैं भी बढ़ाने लगी हूँ। तो चले मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ या फिर कल सुबह ही मिलूंगी फिर मैं आप लोगों से। ठीक है, बाय। कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो फ्रेंड्स मैंने ना घर को जाने के लिए ली है टैक्सी बाइक, तो मैं टैक्सी बाइक से निकल पड़ी हूँ घर की तरफ। तो हम लोग निकल रहे पार्किंग से बाहर को। ये देखिए यहाँ पे खूबसूरत सी मस्जिद और यह है व्यू कुछ इस तरह का, भी नाइट व्यू। तो मैंने आज क्या कि रात को एक ब्लॉग दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दिया, एक ब्लॉग अपलोड किया नहीं और मैंने दूसरा ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह का है अभी समय। ओ माय गुडनेस, मेरा चश्मा गिर गया था, नीचे बच गया। 9:45 हो रहे हैं इस समय ना, तो इस तरह के नज़ारे हैं अभी। तो चलिए मिलते हैं अब जाके, या तो कल सुबह या फिर घर पे, तो जैसा भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं किस लिए इस टाइम पे। रात के 9:45 का ये नज़ारा है, जितना रश है यहाँ पे। तो यहाँ पे खाने पीने की है, यहाँ पे बिरयानी वगैरह मिल जाती है यहाँ पे इस जगह पे, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आसमान बहुत ही खूबसूरत और चांद देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा सा। मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा है, हाथ लगा गिर जाएगा। तो घर के पास पहुँच चुकी हूँ मैं, तो मुझे चंदा मामा को शूट किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई किचन। तो मैं आज पता क्या बना रही हूँ, मैंने सोचा क्या बनाऊँ, उन्होंने खाता ही नहीं है कुछ भी, तो मैंने आज फिर से मैक्रोनी बनाने को एक्सक्यूज रख दिया है। क्या कहते हैं, ये देखिए मैक्रोनी बॉईल हो रही है, ये मैंने तेल को गर्म कर दिया, मैंने प्याज काट दिया, लहसुन को कूट दिया है, टमाटर मैं नहीं डालूंगी। तो फ्रेंड्स ये तैयार हो चुकी है मैक्रोनी। तो चलिए टाइम काफ़ी हो चुका है, मेरे को नोनी की शर्ट भी प्रेस करनी है, 8 बज चुके हैं, मैं उसकी शर्ट को प्रेस करती हूँ और उसको स्कूल भेजती हूँ, तब तक वो खा लेगा। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बैठी हूँ अपने रूम में, एक्सरसाइज कर रही थी, बस एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई और मैं पी रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी पहले भी पी चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा और पी लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने आज इसको मतलब बांध देती हूँ कभी कभी थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी ताकि मेरी गर्दन थोड़ी सीधी रहे। तो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से मेरा हाथ बहुत दुखा, रात को पूरी रात में सो नहीं पाई थी हाथ दर्द की वजह से, और थोड़ा सा ऐसे उस समय मेंटल प्रेशर था कुछ, तो बहुत देर तक मैं मतलब 2:30-3 बजे तक ही मुझे नींद नहीं आई, ऐसे अल्टी पल्टी करती रही हूँ। तो मुझे लगा कि आज इसको बांध देती हूँ ताकि मेरा हाथ का जो दर्द है थोड़ा सा राहत दे मुझे रात तक। तो चलिए नॉनी स्कूल जा चुका है, अब हम लोग भी नाश्ता करते हैं। नाश्ता नहीं किया, मैं एक्सरसाइज करने आ गई थी थोड़ा सा, तो मैं बेड पे बैठे बैठे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, 2-3 एक्सरसाइज जो मेरी रेगुलर है वो कर लेती हूँ, बाकी मेरे से कुछ होता नहीं है, अभी मेरे हाथ में भी तकलीफ है थोड़ी सी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स लंच में बनने जा रहे हैं आलू के गुटके, तो मैंने आलू को उबाल दिया है, इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, प्याज डाल दिया और डालूंगी मैं लहसुन। हम इसमें टमाटर को स्किप कर देंगे क्योंकि टमाटर हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे, तो जो चीज़ महंगी हो जाती है उसे छोड़ देना चाहिए, जो चीज़ भाव खाने लग जाए उसे छोड़ दो, ठीक है। तो टमाटर की ज़रूरत नहीं है हमें, बिना टमाटर के भी अच्छी सब्जी बना देंगे टेस्टी सी। तो चलिए बनाते हैं हम लोग आलू के गुटके और बनाएंगे पूरी। तो आलू गुटके और पूरी मैं दुकान लेके जाने वाली हूँ, तो चलिए मैं फटाफट तैयार करती हूँ क्योंकि 10 बज चुके हैं और मैं अभी तक खाना ही बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आलू के गुटके बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए बिना टमाटर के, पता चल रहा है कि टमाटर नहीं है इसमें, या कि टमाटर का कोई अलग आता हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप बना सकते हैं। तो ये सीख है मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए कि जिनके भाव बढ़ गए हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जैसे टमाटर के भाव बढ़ गए तो आपने छोड़ दिया उन्हें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके खाने में। तो वैसे ही कोई भी, चाहे वो चीज़ हो चाहे इंसान हो, जिनके भाव बढ़े हैं उन्हें छोड़ दीजिए, लेट देम गो और खुश रहिए। तो ये रहा हमारा आलू का गुटका। हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो 12 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, मैं दुकान से दुकान के लिए अब निकल रही हूँ।
तो मैं पता क्या, ये पूरी में आलू रोल किया था मैंने, तो उसको खाने लगी, मैं खाए नहीं जा रहा, इतना खतरनाक हो रहा है। तो चलिए पहले उसको खाती हूँ, फिर निकलती दुकान की तरफ। चलिए मिलते हैं दुकान पर जाके। मौसम अच्छा बना हुआ, मैंने सूट पहना हुआ है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी तक ना बड़ी अच्छी तेज़ वाली धूप लगी थी, तो सामने से देखिए बादल कैसे उड़ उड़ के आ रहे हैं, ऐसे कोहरा ना ऐसे उड़ के आ रहा है सामने से बादलों की तरफ, बादल चल रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है इस समय यहाँ पे। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। मैंने शूट नहीं करा क्योंकि मेरे हाथ में ना यार फोन बैग ये वो दुनिया भर का सामान रहता है, तो इस करके मैंने शूट भी नहीं करा। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है नैनीताल का, मस्जिद के सामने से खड़ी हूँ मैं, ये मस्जिद है इधर को। और मंडे है आज, 3 जुलाई मंडे, तो ऊपर को भी बादल आ गए। तो अभी तक थी अच्छी वाली धूप लगी हुई, अब नहीं है धूप। तो मंडे तो आज भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं या आ रही हैं पता नहीं, तो गाड़ियाँ तो काफ़ी दिख रही है मंडे। अच्छा जा रही हैं सब बाहर को, ये निकल के जा रही सारी गाड़ियाँ बाहर को। तो चलिए मैं भी चलती हूँ आगे शॉप की तरफ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दिन के ना 2 बज चुके हैं और इस तरह का मौसम हो रहा है। देखिए तो अभी तक धूप लगी हुई थी, मौसम अच्छा खासा सा बना हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे रश कुछ इस तरह का है। तो सीज़न जाने लग गया है, तो काफ़ी कम सा रश है, बिल्कुल लोग जा चुके हैं, बहुत कम, क्योंकि आज स्कूल खुल रहे हैं कुछ एक, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सा हल्का फुल्का सा रश जो दिख रहा है वो है। फिर उसके बाद कुछ भी रश नहीं। तो मौसम के बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं अमित शाह जी से, हमें को मिले अमित शाह जी हैं। हेलो अमित, कैसे हैं? तो बढ़िया, बताइए मौसम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स जो नैनीताल आने वाले हैं। तो फिलहाल हल्की हल्की बारिश की बातें करते हैं, बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं। और दोस्तों जो है अभी थोड़ी देर पहले ही एक अलर्ट की चेतावनी गवर्नमेंट के द्वारा आई है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग देखते हैं। हालांकि बारिश होगी तो ऐसा नहीं है कि आप घूम नहीं पाओगे, आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि लगातार नहीं होगी बारिश, होगी जो रुक के होगी। कल भी चेतावनी थी ना, तो हल्की फुल्की बारिश हो रहा है, रुक रुक के हो रही है, ऐसे लगातार वाली बारिश नहीं हो रही है। और अब जो है होटल्स को ऐसी बुकिंग की जरूरत है नहीं, तो आप लोग बिना बुकिंग के भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बुकिंग करा के आते हैं तो ये आपका सिक्योर हो जाता है, आप लोग को आने ही तो आ ही सकते हैं। ये तो होता क्या है कि अभी नैनीताल भर जाए तो जाने से रोक चुके हैं बाईपास में, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी जो है अभी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, हल्के फुल्के गर्म कपड़े जरूर लेके आने चाहिए नैनीताल में। और गाड़ी में आ रहे थे, छाता रखने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो छाता रखना अच्छा है या रेनकोट रखना। थैंक यू। तो अमित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है सभी लोगों को, जो भी नैनीताल आना चाहते हैं तो अपने सारे साजो सामान के साथ आ सकते हैं। तो ये हमारे कस्टमर्स गुजरात से आए हुए हैं ना, तो गर्मी लग रही है आपको बहुत यहाँ पे भी? आप तो गुजरात से आए, गुजरात में बहुत गर्मी है। गुजरात में तो है काफी गर्मी है, लेकिन यहाँ हम तो सोचे वातावरण बहुत ठंडा होगा, लेकिन यहाँ पर भी हमको गर्मी नहीं। अभी बारिश शुरू हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा फिर से, यहाँ पे धूप लगते गर्मी हो जाता है। आप अभी आए हैं क्या आज ही? नहीं, हमको यहाँ 2 दिन हो गए। तो आपने देखा होगा कभी एकदम से ठंडा भी हो जा रहा है, एकदम से गर्म भी हो जा रहा है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर आके मेरे बच्चे, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय करा नैनीताल में, बारिश को भी एंजॉय करा होगा ना, बहुत अच्छा बारिश पड़ा है। आप बताएंगी कुछ? बहुत अच्छा है नैनीताल। अच्छा अपना नाम बताइए आप लोग अपना नाम। मेरा नाम पूजा हड़ा है, मैं ऐसे तो राजस्थान से हूँ, ये गुजरात से। अच्छा आप राजस्थान से हैं? अच्छा अच्छा, पहले मैंने पूछा था, उन्होंने बोला गुजरात से हैं करके बताया था, आपकी मम्मी है ना। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे भी है, देखिए यहाँ पे ये भी गुजरात से है। चलिए थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। आएंगे। हाँ देखो बच्चे खुशी हो रहे हैं। अभी बोला, क्या बोल रही थी अभी? हम तो वीडियो में आएंगे। अच्छा, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी बोलना पड़ेगा आपको। लाइक करो वीडियो, सब्सक्राइब करो, और शेयर भी करो। शेयर भी करो, आप भी करना। अच्छा वहाँ पे राजस्थान में कोटा में जाके, ठीक है? ओके जी, चलिए थैंक यू, बाय 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 बाय, हमको भी बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मैंने, मेरे को ये वाले बच्चे मिले थे ये 2, तो फिर ये हमसे मिलने के लिए आई हैं अभी। आपका नाम? मुस्कान। तो बहुत अच्छा नाम है। ये तो मुस्कान ही जा रहे, चुप ही नहीं हो रहे, बताए क्यों मुस्कान रहे हो, इतना खुश क्यों हो रहे, बताओ पहले मुझे, बताओ क्यों खुश हो रहे हो इतना? ये देखिए इनकी हंसी बंद नहीं हो रही है ना। कैसा लगा नैनीताल? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, चले थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से। बाय बाय। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। शाम के 4 बजे वही चटक धूप लगी है, तो आज मौसम खुल गया है, बारिश नहीं हुई है। हमको लग रहा था आज भी शाम के समय बारिश होती मगर नहीं हुई, तो अभी लगी खूब तेज़ वाली धूप लगी, चटकदार धूप। तो मेरे फ़ोन का ना यार बैटरी ख़त्म हो गई और मैं चार्जर लेके नहीं, नोनी कल रात को मेरा चार्जर ले गया था, वो फिर उसके ऐसे वैसे करते करते मेरा चार्जर ही रह गया, अदरवाइज मेरे बैग के साथ ही रहता, मैं उठा के ले आती हूँ। तो मैं चली अपना फ़ोन चार्ज करने तेंजी की शॉप पे, चार्ज करती हूँ फ़ोन को, उसके बाद फिर मिलती हूँ। मैं सोची थोड़ा सा मॉल रोड की तरफ जाऊँगी, देखती हूँ मेरा मन किया तो, नहीं तो फिर नहीं। तो चलिए चार्ज करवाते हैं फ़ोन पहले। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के 7:30 बज रहे हैं, उस समय मंदिर का नज़ारा मैं सोची थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस तरह का हो रहा है यहाँ पे, तो आरती शुरू होने वाली है, आरती आजकल लेट स्टार्ट होती है शायद ना,
7:30 तो बज चुके हैं, अब तक तो स्टार्ट नहीं हुई है आरती। तो यहाँ पे सामने हनुमान जी का मंदिर है, पेड़ है सामने से तो नज़र नहीं आ रहा है ना। ये रहा हनुमान जी का मंदिर और ये रहा अभी मंदिर का दृश्य कुछ इस तरह का है। तो अभी आरती का समय नहीं हुआ है तो लोग कम शम दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बाहर की तरफ तो काफ़ी लोग नज़र आ रहे, तो संध्या आरती शुरू होने वाली है यहाँ पे। तो जय हो प्रभु जी। तो चले मैं चलती हूँ और बाहर की तरफ मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह का क्राउड हो रहा है अभी। देखिए इस तरह का यहाँ पे कुछ हो रहा है इस समय। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद की शॉप्स भी यहीं पे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब मौसम एकदम साफ हो गया, नीला आसमान है। तो मगर भरोसा नहीं, रात को बारिश हो सकती है। नीला नीला आसमान, गाना नहीं गाऊंगी अभी बेसुरा गाती हूँ मैं हर समय। तो देखिए बहुत ही नीला सा आसमान दिख रहा है। तो शाम के इस समय बज रहे 7:30, में मंदिर से होके आ गई हूँ, मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ के आ गई हूँ। हाँ तो ये बच्चे लोग डंडे वंडे लेके सब लाइन से खड़े हैं बाहर। तो मार्केट का देखिए हाल, बाहर तो काफ़ी रश है, इस तरह का भीड़ भाड़ नजर आई रही है मगर रहा है, मगर ये जो ना मार्केट की साइड थोड़ी सुनसानी छाई हुई है। तो मैं सोची अपना जो आज का ब्लॉग है इसको यहीं पर एंड कर देती हूँ मैं। तो कल को मिलेंगे फिर नई वीडियो में, नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। तो ये वाला यहीं से मैंने स्टार्ट किया था, पिछले कल के रात के 9:30 बजे से वीडियो स्टार्ट की, तो आज रात के 7:30 बजे मैं अपना वीडियो जो है एंड कर रही हूँ। तो चलिए बाय बाय गुड नाइट।